जादूगर का नाम। एक समय की बात है कि एक राजा के राज्य में एक गरीब आदमी रहता था। उसकी अपनी एक छो चक्की थी। किसी तरह आटा पीसकर वह अपना काम चलाता था। उसकी एक लड़की थी, वह बहुत ही सुंदर थी। यह लड़की जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार और होशियार भी थी। वह काम काज में अपने पिता का हाथ बटाती थी। चक्की वाले को उससे बड़ी मदद मिलती थी। वह रात दिन अपनी लड़की के गुण गाया करता था। कोई भी मिलता था तो वह उससे अपनी बेटी की तारीफ किए बिना नहीं रहता था। एक दिन ऐसा हा कि चक्की वाले को किसी काम से महल में जाना पड़ा। जब वह अपना काम खत्म करके महल से लौट रहा था तो अचानक इधर से राजा आ निकला। राजा चक्की वाले को जानता था। उसने वैसे ही उससे पूछ लिया, कहो भाई, क्या हाल है? आजकल तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? चक्की वाले ने आदर से रुककर कहा, सरकार, सब आपकी कृपा है, किसी तरह गुजर हो रही है। वैसे मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है, मेरी बेटी सारा काम संभाल लेती है। राजा बोला, अच्छा, तब तो बड़ी खुशी की बात है। इस पर चक्की वाला राजा के सामने जरा डील मारते हुए बोला, जी हाँ, ऐसी लड़की आपने देखी नहीं होगी। कम से कम इस शहर में तो ऐसी समझदार लड़की कहीं नहीं मिलेगी। बड़ी होशियार है, उसे कई तरह के काम आते हैं। राजा बोला, अच्छा, उसे कौन कौन से काम आते हैं? चक्की वाला बोला, अरे हजूर, यह पूछिए कि उसे कौन सा काम नहीं आता। अब देखिए ना, आपके महल के गोदामों में यह जो रुई रखी हुई है, मेरी बेटी चाहे तो इसे काट कर सोना बना सकती है। राजा ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, ऐसी बात है, तब तो तुम ऐसा करना, जरा उसको जल्दी ही हमारे महल में भेज देना। मैं देखना चाहता हूँ कि वह रुई को काट कर सोना कैसे बनाती है। राजा सोने का बहुत शौकीन था। उसे रात दिन सोना बटोरने की फिक्र रहती थी। वो मन ही मन बड़ा खुश हुआ कि चलो इस तरह सारी रुई सोने में बदल जाएगी। जब राजा चला गया तो चक्की वाले को अपनी गलती मालूम हुई। वो पछताने लगा कि मैंने राजा के सामने इस तरह बड़ा चढ़ाकर बातें क्यों की। लेकिन अब क्या हो सकता था, वो राजा को यह नहीं कह सकता था कि उसने झूठ बोला था। वो चुपचाप घर पहुंचा। घर जाकर उसने अपनी लड़की से कहा, बेटी, तुम्हारी होशियारी और समझदारी की खबर राजा तक पहुंच चुकी है। वे तुमसे मिलना चाहते हैं। जल्दी तैयारी हो जाओ, तुम्हें इसी समय मेरे साथ महल में चलना है। यह सुनकर लड़की बड़ी खुश हुई। थोड़ी देर में वह सच धज कर महल में जाने के लिए तैयार हो गई। चक्की वाला अपनी लड़की को लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा फौरन लड़की को उस बड़े से गोदाम में ले गया जहां रुई भरी हुई थी। राजा ने लड़की के लिए एक चरखा मंगवा दिया और कहा, लो, यह चरखा है, यहां बैठो, इससे रुई काट कर मेरे लिए सोना बना डालो। तुम्हारे पिता ने मुझे बताया है कि तुम रुई को काट कर सोना बना सकती हो। मैं कल सुबह आकर देखूंगा कि तुमने क्या काम किया है। अगर तुमने सोना नहीं बनाया तो मैं तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। यह कहकर राजा वापस महल में लौट गया। बेचारी लड़की, उसकी तो समझ में ही नहीं आया कि क्या हो गया। वो तो बड़ी खुशी खुशी अपने पिता के साथ महल में आई थी। उसने सोचा था कि राजा जी उसकी तारीफ करेंगे और उसे इनाम देंगे। यहाँ तो बात ही उल्टी हो गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सुना था कि रुई को काट कर सोना बनाया जा सकता है, और अब राजा ने उसको ऐसा ही करने का हुक्म दिया था। वो फूट फूट कर रोने लगी और अपनी तकदीर को कोसने लगी। धीरे धीरे शाम हो गई।
लड़की हाथों से अपना मुंह छिपाए रोती रही, आंसुओं से जमीन गीली हो गई। उस बड़े से गोदाम में वह अकेली बैठी रो रही थी। वहां उसे मनाने वाला कोई नहीं था। अचानक थोड़ी देर बाद गोदाम का दरवाजा कुछ चरमराया। लड़की ने आवाज सुनकर सिर उठाया तो देखा कि एक दुबला पतला नाटा और बहुत भद्दा सा बूढ़ा ननगड़ाता हुआ उसकी ओर आ रहा है। लड़की ने समझा कि राजा का कोई बूढ़ा नौकर है और उसे रोते हुए देखकर उसे मनाने के लिए यहाँ आ गया है। बूढ़े ने पास आकर कहा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? इस तरह रो रो कर तो तुम अपनी आंखें ही फोड़ लोगी। मुझे बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लड़की सिसकते हुए बोली, बाबा क्या बताऊं? मेरी तो तकदीर ही फूट गई। राजा ने कहा है कि मैं इस सारी रुई को काट कर इसका सोना बना दूं। अगर कल सुबह तक मैंने यह काम खत्म नहीं किया तो वह मेरा सिर कटवा देगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे यह काम करूं। उद्धरण चिन्ह। बूढ़े ने मुस्कराते हुए कहा, तो तुम घबराती क्यों हो? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब बताओ, मैं अगर तुम्हारा काम कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? लड़की बोली, अगर तुम मेरे लिए यह काम कर दो तो मैं तुम्हें अपना यह सोने का हार दे दूंगी। वो नाटा बूढ़ा राजी हो गया और चरखे के पास बैठकर रुई काटने लगा। भन भन की आवाज होने लगी और उसकी उंगलियों में से चमचमाते हुए सोने के धागे निकलने लगे। देखते ही देखते वहां सोने के धागों का ढेर लग गया। सवेरा होने से पहले ही बूढ़ा सारी रुई काट चुका था। फिर वह अपना इनाम लेकर वहां से चुपचाप चला गया। जब सवेरा हुआ तो राजा वहां आ पहुंचा। गोदाम में पैर रखते ही राजा की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। उसने देखा कि लड़की ने सारी रुई काट डाली है और वहां सोने के धागों का ढेर लगा है। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा तो सचमुच सोने के धागे थे। राजा बड़ा खुश हुआ, लेकिन साथ ही उसके मन में लालच हो आया। वो लड़की को रुई के दूसरे गोदाम में ले गया और वहां उसे बंद करते हुए बोला, तुम यहाँ बैठो, तुम्हारे खाने पीने के लिए